माँ भारती को प्रणाम, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। मकान में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। मकान खरीदने में बाधा, लोन में बाधा, बनने में बाधा। बनने के बाद मकान में प्रवेश किया तो सुख में बाधा। आज मैं आपको लगातार वह ढेर सारे उपाय बता देता हूं, आप उसमें से कोई भी एक दो कर लीजिएगा जिससे आपके मकान में बाधाएं ना हो। बहुत सारे लोग जो किसी मकान में लंबे समय से रह रहे होते हैं, मकान फलता है, सब कुछ है, लेकिन अचानक फिर एक के बाद एक समस्याएं वहां होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है इसका कारण भी मैं बताऊंगा, लेकिन कभी कभी जब हम मकान बना रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, तो उस वक्त में किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो जाती है या कोई व्यक्ति दुश्मनी निभाता है, हमें धोखा दे देता है। हो सकता है कोई ऐसा सेल्स एग्जीक्यूटिव हो जो आपसे रिश्ते बहुत अच्छे कायम कर ले और आपको लगे तो बहुत अच्छा आदमी है, हमारा आदमी है, ईमानदार आदमी है, ये बिल्डर का आदमी नहीं है तो हमको खूब पैसे दे रहा है, या जो ज़मीन बेच रहा है तो हमारा अपना व्यक्ति है, हमारा अपना आदमी है, हमारा जान पहचान वाला है, या फिर किसी के साथ आपकी कोई ऐसी घर में पार्टनरशिप हो रही है और तो आपको लग रहा है ये तो हमारा व्यक्ति है, इसमें क्या दिक्कत है, और हम बहुत निश्चिंत हो जाते हैं और फिर सामना करना पड़ता है एक बड़े धोखे का। जब ऐसी स्थिति बने, भगवान ना करे बने, क्योंकि इसमें आपका बहुत वक्त पैसा जाया होता है, साथ ही साथ दुख होता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या क्या करेंगे। माता और दादी का विशेष ख्याल रखना शुरू करिए, जो भी हो उनका विशेष ख्याल रखिए, और कैसे भी रखिए उनसे बहुत प्यार से बोलिए, उनसे गुस्सा करना बंद कर दीजिए, उनकी सलाह माननी शुरू करिएगा, उनको उपहार देते रहिएगा, कुछ ना कुछ सेवा उनकी नियमित रूप से आप करते रहिएगा, और आप देखना धीरे धीरे ये वाद विवाद खत्म होंगे। वक्त लग सकता है, कितना वक्त लगेगा यह तो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन वाद विवाद समाप्त होगा और आपको आपका घर मिलेगा। दूसरा उपाय, ऐसी स्थिति बनने पर आप एक वर्ष के लिए हर मंगलवार को मखाने, खीर, यानी ऐसी चीज़ें जो सफ़ेद हैं और जो खाई जा सकती हैं, उनका दान करना शुरू कर दीजिए। जैसे खोए का दान कर दिया, बर्फी का दान कर दिया, इस प्रकार से ये दान करना शुरू कर दीजिए। आटे का भी कर सकते हैं दान, मैदा का भी दान आप कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ सफ़ेद हो और खाई जा सकती हो या उससे खाना बन सकता हो, उस चीज़ का दान करना शुरू कर दीजिए। एक और कार्य, छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई से गले में चांदी की चेन पहन ले मंगलवार को, अगर वो बनवा दे तो, और देखिएगा कि आपके वाद विवाद निपटेंगे, बहुत जल्दी नहीं लेकिन रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। यद्यपि आजकल सरकारें बहुत सख्त हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने घर देने के वायदे किए थे लेकिन उन्हें निभाया नहीं, तो सरकार कोर्ट बहुत सख्त हो रही है, लेकिन फिर भी यह उपाय करने से आपको तेजी से लाभ होगा। भाई वाद विवाद क्यों हो तो सुलझ जाए, वही रास्ता ज्यादा अच्छा होता है। एक और उपाय नोट कीजिए, ऐसे लोगों को जो किसी अपने के धोखे के कारण वाद विवाद में उलझ गए हैं और मकान पाने में उन्हें दिक्कत है, तो वह ऐसी जगह पर पियाऊ लगा दें जहां लोग जल पी सके, उस पियाऊ का लाभ उठा सके। प्रभु आपको जरूर ऐसी शक्ति देंगे कि आप अपने मकान की बाधाओं को समाप्त कर सकेंगे और मकान को प्राप्त कर सकेंगे। कभी कभी मकान बेचने में बड़ी बाधाएं आती हैं, बिकता ही नहीं, दो तीन उपाय उसके लिख लीजिए, जरूर लाभ होगा। माता जी के हाथ से कुछ दवाइयां हर मंगल को बंटवानी शुरू कर दें,
या माता जी के हाथ से खीर का दान करवाना शुरू कर दें। दवाइयाँ लानी आपको हैं, देनी माता जी को हैं, और जब माता जी किसी को देंगी तो आप खड़े रहेंगे। या खीर बनानी आपको है, देंगी माता जी, और जब माता जी के हाथ से आप वो दिलवाएंगे तो आप स्वयं खड़े रहेंगे, तब तो इसका फायदा है, अन्यथा नहीं। दूसरी चीज, माता जी से चावल के कुछ दाने लेकर उस प्रॉपर्टी जिसको आप बेचना चाहते हैं उसके कोनों में रख दें। पुड़िया में बांध के रख सकते हैं, किसी डिब्बी में करके रख सकते हैं, वहां पर रख दें, या खाली जमीन है तो उसको ऐसे ही बिखरा सकते हैं, लाभ होगा। ये रिश्ते बड़े काम के होते हैं, भाग्य के बंद दरवाजे खोल देते हैं। ये उपाय आप करिए और देखिएगा, लाभ तो होना तय है। अगली खास चीज नोट कीजिए, यदि मकान प्राप्त करने में या बनाने में बाधाएं आ रही हैं, कभी लोन नहीं होता, कभी जगह नहीं मिलती, या कभी उपयुक्त जगह नहीं मिलती, तो माता जी के हाथ से या दादी जी के हाथ से चांदी का चकोर टुकड़ा ले लीजिए। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। वह टुकड़ा जब भी आप मकान की बात करने जाएं, अपने जेब में डालकर जाएं, जल्द ही कहीं ना कहीं बात जो अभी तक नहीं बन रही थी अब बन जाएगी। आपको लाभ भी होगा, आप करके तो देखिए ना, आपको लाभ भी होगा। एक उपाय और बताऊं, घर खरीदने या बिकने में जब बहुत बाधाएं आने लगे तो मीठी रोटी बनाइए, थोड़ी कुरकुरी सी बनाइएगा, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को खिलाइए। चिड़ियों के सामने उसको डाल दीजिए, पानी रख दीजिए। जब चिड़ियाँ उसे खाकर ख़त्म करने लगेंगी, मतलब एक सामान्य साइज की रोटी, तो समझिए अब मकान संबंधी जो बाधाएं हैं वह खत्म होंगी, या खरीदने में या बेचने में, या कोई वाद विवाद उत्पन्न हो गया होगा तो वह अब धीरे 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 खत्म होने लगेगा। अभी दो बड़ी बातें करनी रह रही हैं। पहली चीज, आप जिस मकान में रह रहे हैं वह अचानक कुछ बाधाएं उत्पन्न होने लगी, इतने वर्षों से तो सब ठीक था, तो इसका क्या निराकरण होगा? एक बात तो हमें यह करनी है, और दूसरी बात हमें यह करनी है कि कुछ लोग मकान में प्रवेश करने के बाद बहुत परेशान होना शुरू हो जाते हैं, जो अभी तक नहीं हो रहे थे, उसका क्या उपाय हमें करना होगा? अभी बताता हूं, लेकिन आज का दिन भी तो प्लान करना है, दिन को भी तो बेहतर करना है, इसलिए मेष राशि से कन्या राशि तक का हाल भी तो जानिए। मेष राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, पीठ और पेट का जरूर ख्याल रखें, भोजन बहुत साफ सुथरा कीजिएगा, नहीं तो कोई इंफेक्शन परेशान कर सकता है। वैसे धन आदि के मामले में यह दिन ठीक है, परंतु ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले बैठे, लग तो रहा था कि सब कुछ सही ही होगा, अचानक न जाने क्या हुआ ये गड़बड़ आ गया। इसलिए जब भी कोई मेजर डिसीजन आज आप लें तो भाई बहनों का सहयोग उसमें जरूर लेना है। एक छोटा सा उपाय, हरी मिर्च का दान कर दीजिए। वृषभ राशि, ये समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है, बाकी कुल मिला के अच्छा रहेगा। आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो वो आपको परेशान जरूर करेंगे, बाकी धन आदि के मामले में सफलता आपको मिलेगी। एक छोटा सा उपाय करें, हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दें। मिथुन राशि, शत्रु परेशान करेगा लेकिन वक्त आपके हक में है, इसलिए वह खुद परेशान हो जाएगा। आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि आप लड़िएगा नहीं, आप झगड़िएगा नहीं, वाद विवाद में आप मत उलझिएगा, वक्त अपने आप सब कुछ ठीक करा देगा। आप तो सिर्फ रोटियों का दान कर दें आज, साथ में कुछ सब्जी भी दे सकते हैं, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें सोचें और बहुत मेहनत से काम करें। आज का समय मेहनत बहुत मांगेगा आपसे, लेकिन अगर आपने कर ली, सेटिस्फेक्शन तो महसूस करेंगे ही करेंगे, उस मेहनत का
लाभ भी होगा आपको। एक छोटा सा उपाय, नमः शिवाय का जप, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आपका गुस्सा आज आपको बहुत परेशान करेगा। आपका चिड़चिड़ापन आज आपकी कुटाई ना करवा दे कहीं। इसलिए बच्चों आप तो बहुत ध्यान रखना है, स्कूल कॉलेज में लड़ना नहीं है। बाकी लोग वाद विवाद से जरा सा दूर रहें। घर गृहस्थी के मामलों में बहुत ध्यान से कुछ बोलें अथवा सलाह दें। डॉक्टर्स या लॉयर्स भी इस दिन बहुत सोच समझ कर कोई सलाह दें, नहीं तो वो अपयश का कारण बन सकती है। सूर्य को जल दें, फिर अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आपके लिए समय बढ़िया है, मेहनत करिए, लेकिन कोई भी निर्णय आप अपने से स्वयं नहीं लेंगे आज। वह निर्णय सही सिद्ध नहीं होगा, ये जान लें। एक छोटा सा उपाय करेंगे, गंग गणपताय नमः का जप करें, गणपति जी को सुपारी भेंट करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु साहब ठीक करेंगे। तो हमें दो बातें करनी है। पहली चीज, हमने नए घर में प्रवेश किया या घर बनवाना शुरू किया या घर बनाने के लिए जमीन खरीदी या घर में रहने के लिए फ्लैट खरीदा और उसके बाद से परेशानियां शुरू हो गई, क्यों और इसका निवारण क्या। और दूसरी चीज, हम एक घर में रहे तो बहुत सालों से रहे थे, लेकिन अचानक कुछ खास किस्म की परेशानियां आने लगी, वह परेशानियां क्यों आई, उसका निवारण क्या होगा। आइए, स्वागत है अल्पविराम के बाद, स्वागत है आपका। इधर हमने फ्लैट खरीदने की तैयारी की, जमीन खरीदने की तैयारी की, या मान लीजिए खरीद लिया, उधर परेशानी का सिलसिला शुरू हो गया। या हमने अभी गृह प्रवेश किया अपने फ्लैट में या मकान में, परेशानी का सिलसिला शुरू किया हो गया। अभी मकान बनवाना शुरू किया, परेशानियों का सिलसिला शुरू हो। ये सब रुकेगा कैसे, रुक जाएगा? उपाय लिखिए, वह मकान जिसके नाम से है और जिसने उस मकान में पैसा लगाया है, वह दोनों लोग अपनी रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन त्रिधातु की यानी सोना चांदी और तांबा मिलाकर एक छल्ला पहनेंगे, मंगलवार के दिन अपनी रिंग फिंगर में, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। दूसरी बात, ऐसे लोगों को घर के बीचों बीच का जो स्थान है, फ्लैट में भी ऐसा हो सकता है, उसे जरा सा गहरा कर लें, आधा इंच पौना इंच या आधे से भी आधा इंच, और उसमें चांदी की कोई भी चीज़ रख के फिर उसे ठीक कर दें। आप एक बाई एक इंच लंबा चौड़ा और आधा इंच भी गहरा ऐसे ही कुरेद कर कुछ करे दें गड्ढा सा, और उसमें चांदी की कोई चीज़ दबा के उसे प्लेन कर दें। ये घर का बीचों बीच वाला हिस्सा होना चाहिए। आप देखिएगा, घर के अंदर जो नेगेटिविटी है जिसकी वजह से दुख कष्ट हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि घर फल नहीं रहा या फलेगा नहीं आगे, वह बाधाएं परेशानी अपने आप ठीक होने लगेंगी। अब आपने इधर जमीन खरीदी या फ्लैट खरीदा, उधर बाधाएं परेशानियां शुरू हुई, वहां भी ऐसा कर दीजिए। अगर बीचों बीच नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, एक तो ऐसा कोई कारण होगा नहीं क्योंकि आपको कोई बहुत गहरा गड्ढा थोड़ी करना है, फर्श में छेद करके नीचे वाले के घर में थोड़ी गड्ढा करना है, इतना सा। फिर भी मान लीजिए 1% अगर नहीं हो पा रहा तो घर की एंट्रेंस पर वह गड्ढा कर लीजिएगा, जरा सा। गड्ढा शब्द का मतलब इतना सा खोदना ही लीजिएगा, पूरा पता लगा 6 फीट खोद दिया, इतना सा बस, और उसमें वह चांदी का कोई टुकड़ा दबा दीजिएगा, फिर उसे प्लेन कर दीजिएगा। बहुत से लोग अपने ईश्वर की या गुरु की तस्वीर दरवाजे पे लगाते हैं या फिर कोई मंत्र आदि लिखकर दरवाजे पर लगा देते हैं, ये बुरा तो नहीं है, लेकिन यदि आप वहाँ देखभाल नहीं कर सकते, वहाँ सफाई सुथराई नहीं कर सकते या वहाँ पर धूप बत्ती नहीं कर सकते तो मत लगाइएगा, ये अच्छा सिद्ध नहीं होता है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, बहुत सामान्य सा उपाय है लेकिन कर लीजिएगा।
चाहे फ्लैट में आप प्रवेश कर रहे हो या कहीं हो, इधर फ्लैट लिया, इधर ज़मीन खरीदी और परेशानियां शुरू हो गई, तो अपने घर में चीनी की जो खाली बोरियां होती हैं या गुड़ जिसमें रख कर जाता है वो खाली बोरियां जो होती हैं वो कहीं दे दीजिए, किसी को बांट दीजिए, लाभ होना शुरू हो जाएगा, वाद विवाद बहुत जल्द खत्म होगा। ऐसा हर मंगल को 43 मंगल तक लगातार कर दीजिएगा। एक भी हो सकती है, वो दो भी हो सकती है, वो आपके मर्जी के ऊपर है। अब दूसरी चीज कि अभी तक तो घर में सब कुछ ठीक था, इधर नेगेटिविटी बढ़ती क्यों जा रही है, इधर सारे समस्याएं क्यों आती जा रही है, इसका उत्तर मैं अभी देता हूं, लेकिन दिन को प्लान कर लें। तुला राशि से मीन राशि तक का हाल। तुला राशि, सोच समझकर आज बात कहिएगा, अपने गले और दांतों का भी विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बाकी दिन कुल मिला के ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप पके हुए भोजन का दान कर दें। वृश्चिक राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, धन की दृष्टि से भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, काम अटक सकता है, धैर्य रखिएगा, एक छोटा सा उपाय जरूर कर दीजिएगा, 5 कच्ची सब्जियों का दान कर दीजिएगा, बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा, मेहनत करिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अचानक कोई सफलता मिल सकती है, किसी व्यक्ति से बातचीत का अच्छा परिणाम निकलेगा, आज प्रमोशन या इंटरव्यू की भी बात कर लें, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में अवश्य धारण कीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, गुस्सा मत करिएगा, किसी से कोई वायदा मत कीजिएगा, और ऐसी बात तो बिल्कुल मत किसी से कहिएगा जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, अन्यथा अपयश की प्राप्ति होगी जो आपको आगे जाकर नुकसान देगा, एक छोटा सा उपाय यदि आप कर सके, आज आप पके हुए भोजन का दान जरूर करें, और उस पके हुए भोजन में कोई काली मिठाई अथवा चॉकलेट अवश्य होनी चाहिए। कुंभ राशि, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय का सदुपयोग आपको करना जरूरी है, इस दिन रुके हुए कार्य बनाने की कोशिश कीजिए, रुकी हुई पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, रूठे हुए लोगों को मनाने की कोशिश कीजिए, बस एक छोटा सा उपाय, नीला वस्त्र धारण करें, प्रभु जी साहब ठीक करेंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी कमजोरी महसूस करेंगे, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, इस दिन वाहन बहुत सोच समझ के चलाइएगा, इस दिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे सारे कार्य जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है जब वो करे तो गहरी सांस लेकर जल पीकर ही करिएगा, उससे आपकी एकाग्रता का स्तर बेहतर होगा, कोई व्यक्ति दुख दे सकता है, कैसे बचे, गुड़ बांटिए और गौ माता को विशेष रूप से गुड़ जरूर खिला दीजिए, देखिएगा दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। और अब हमें से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो चलिए देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, लेकिन केवल उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो बहुत मेहनती हैं और जिनको बिल्कुल भी घमंड अहंकार नहीं है, वो कोई भी कार्य मन लगा के कर सकते हैं, ऐसे सभी लोग तरक्की कर रहे हैं ये तय है, और जिन्हें घमंड रहता है उनको नुकसान होगा। इन 12 महीनों में अपनी श्वास का, सांस का, यानी ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, और किसी भी किस्म का नशा आदि बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी भी कम कर दीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये 12 महीने थोड़े कमज़ोर हैं। बाकी तो आगे बढ़िए, खूब धन कमाइए, कुछ नया काम करिए, कुछ बढ़िया काम करिए, आप टीम के लीडर बन सकते हैं, आपके उद्योग धंधे की लगाने की तरफ भी बढ़ सकते हैं, कुल मिला के वक्त अच्छा है, उपाय क्या करेंगे। हर शनिवार मेहनत कश या मजदूर लोगों को चॉकलेट या रसगुल्ला वगैरह खिला दिया करें, बस सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। चलने से पहले उन लोगों की बात, जिनके घर में अभी तक सब ठीक था लेकिन अचानक परेशानियां शुरू हुई और घर में एक अजीब सी नेगेटिविटी वो महसूस करने लगे, देखिए
ससुराल से कभी कभी कुछ लोग पशु ले आते हैं पालने के लिए, या ससुराल के धन से पशु खरीद कर पालते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि इसके लगभग 6-8 महीने के बाद समस्या शुरू होती है। अगर ऐसा हो रहा हो तो उस पशु को वापस कर दें। दूसरी चीज, हम घर में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जिसमें धूल इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद परेशानी शुरू। हम घर में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जिसके नीचे कबूतर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है, बच्चे देना शुरू कर देता है, रहना शुरू कर देता है, उसके बाद दिक्कत आएगी। कबूतरों की वजह से दिक्कत नहीं है, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से दिक्कत आएगी। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक दीवार को आगे बढ़ाकर मकान को थोड़ा आड़ा या तिरछा हम लोग कर देते हैं। स्पेस तो हो जाती है लेकिन परेशानी आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी हम ये भी करते हैं कि चारों दिशाओं में आने जाने के रास्ते खुलवा देते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। इसे ठीक कर लें, वैसी स्थिति में चले जाए जैसी पहले थी, फिर सब ठीक हो जाएगा। और यदि किसी घर में प्रवेश के बाद कुछ बाधाएं उत्पन्न होने लगी हैं तो एक काम करें, घर की पूर्व से दक्षिण दिशा के बीच में जो भी जगह आपको मिले वहां पर नियमित रूप से अपने इष्ट के नाम से या मंत्र से यज्ञ करना शुरू कर दें। वो नहीं भी पता तो गायत्री यज्ञ करना शुरू कर दें, एक वर्ष का यह अनुष्ठान ले लें, सब ठीक हो जाए। ये छोटे से उपाय हैं लेकिन आपको बहुत बड़े लाभ पहुंचाएंगे। प्रभु आपको आपके मकान के साथ, प्रॉपर्टी के साथ खूब सुखी रखें। चलो, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है ABP News, आपको रखे आगे।